हेलो बच्चों, इस पाठ में हम संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखने के बारे में और जानेंगे। एक दिन तूफान कछुए को एक गुफा नजर आई। जैसे ही तूफान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अंदर से एक आवाज सुनाई दी, यदि तुम गुफा में छिपे खजाने को पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 दरवाजों को खोलना होगा। हर दरवाजे पर एक पहेली है। जब तुम पहेली का सही उत्तर ढूंढ लोगे तो दरवाजा खुल जाएगा। अचानक तूफान को उस निशान के ऊपर ये प्रश्न दिखाई दे रहा है, संख्याओं को त्रिकोण के कोनों में सही जगहों में इस तरह भरें कि हर 2 कोनों की संख्याओं का जोड़ उनके बीच की साइड पर लिखी संख्या के बराबर हो। तूफान ने पहेली का हल ढूंढना शुरू किया। उसने पहले 19 में 10 जोड़े, उसे 29 मिल गए। फिर उसने 19 में 15 जोड़े और उसे 34 मिल गए। अब तूफान ने त्रिकोण के साइड पर लिखी संख्याओं को देखा। उसने देखा कि जिस साइड पर 29 की संख्या है उसके 2 कोनों पर वो 10 और 19 के नंबर रख सकता है, और जिस साइड पर 34 की संख्या लिखी है उसके दोनों कानों पर वो 19 और 15 के नंबर रख सकता है। इस तरह तूफान ने सारे नंबर अपने सही स्थान पर रख दिए। तूफान का उत्तर बिल्कुल सही था। गुफा का पहला दरवाजा खुल गया। अब तूफान गुफा के और अंदर गया और उसे दूसरा दरवाजा नजर आया। दूसरे दरवाजे पर तूफान को ये पहेली मिली, यहां एक पवन चक्की है, इस पवन चक्की के पंखों के रिक्त स्थान भरो और अगला दरवाजा खोलो। आइए हम तूफान के साथ इस पहेली का उत्तर ढूंढे। बच्चों, हमें यहां क्या करना होगा? आइए हम पहले पवन चक्की का जोड़ का सवाल सुलझाएं। 50 में 38 जोड़ें तो कितने होंगे? बिल्कुल सही, 88। आइए इसे इस रिक्त स्थान में भर दें। अब हम पवन चक्की के घटाव के सवाल को सुलझाएंगे। अगर हम 172 में से 38 घटाएं तो कितने बचे? जी हां, हमारे पास 134 बचे। आइए इसे पवन चक्की के दूसरे रिक्त स्थान में भर लें। हो गई हमारी पहेली हल। अरे वाह, पवन चक्की चल पड़ी। तूफान ने भी हमारे साथ पहेली का हल ढूंढ लिया। दूसरा दरवाजा खुल गया। तूफान तीसरे दरवाजे तक पहुंचने के लिए और तेजी से चलने लगा। आखिर तूफान तीसरे दरवाजे तक पहुंच गया। तीसरे और आखिरी दरवाजे पर तूफान को ये पहेली दिखाई दी। तूफान ने पहेली का उत्तर बिल्कुल सही ढूंढा है। अब आप भी इस पहेली का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। तीसरा दरवाजा खुल गया और तूफान को ढेर सारा खजाना मिल गया। बच्चों, इस पाठ में हमने जोड़ का उपयोग कर किसी भी संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे।